नारायण भाई साहब को देखें जिन्होंने बाइक पर इतना वजन रखा ये हुआ क्या है है कि इस बाइक के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी ड्राइवर ही हैं आलू जो इतना वजन मैनेज भाई कर लेते हैं। साहब ये तो जगह बचा रहे ये। ओ भाई साहब हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए फनी पाकिस्तानी देसी जुगाड़ का रिएक्शन। पाकिस्तानी जो है ना हमने समझ लिया है कि देसी जुगाड़ में उनको कोई टॉप नहीं कर सकता जितनी हमने वीडियो देखी है, तो ये उसका नया पार्ट हम लेके आए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। और मतलब ये जितने देख लो कम है और ये बहुत ज्यादा फनी होता है और कभी कभी ये शॉक भी कर लेते हैं कि भाई कैसे कर सकता है कोई, मतलब कैसे कितना तेज दिमाग कैसे चल सकता है। बाकी देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आपके घर में एसी ना हो तो आप एसी से भी कई ज्यादा मजा ले सकते हैं। जरा आप इस अमेजिंग जुगाड़ को ट्राई करें। बिलीव मी इट वर्क्स। क्या क्या है वैसे? वाह भाई वाह। सैल्यूट। अब सड़क पर चलते हुए जो चाचा आपको नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इन्होंने सर पर सिर्फ छतरी ही रखी हुई है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि छतरी के नीचे इन्होंने जुगाड़ करके एक छोटा सा पंखा फिट करवा रखा है। मजे की बात तो यह है कि इन्होंने पंखे को चलाने के लिए दो छोटे छोटे सोलर पैनल भी लगा रखे हैं। ये बहुत सही था यार, तो बहुत टैलेंटेड है। इनको बनाओ को साइंटिस्ट यार। इसके बाद हम आपको एक बहुत ही सस्ता जुगाड़ दिखाते हैं जिसमें ये मजदूर अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत ही आसान बना लेते हैं। क्या बात है, ये देखो सही देसी जुगाड़ हूँ मैं तो कोई बस्ते आज मैं दोस्तों हल चलाने वाले बैलू का जमाना खत्म हो चुका है। अब बाइक का इस्तेमाल करते हुए लोग अपना ऑलमोस्ट सारा ही काम कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाइक भी हल चलाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पर चलो ये तो फिर भी समझ आता है ट्रैक्टर की जगह बाइक। अब दोस्तों आपने इस तरह का जुगाड़ गलियों और बाजारों में तो देखा ही होगा, लेकिन इन भाई साहब का आईक्यू लेवल चेक करें। जो चारपाई तो ले ही जा रहा है लेकिन साथ ही साथ बच्ची को भी मजे करवा रहा है। ये तो सस्ती नदी में ये लोग वाइब ले रहे हैं पूरी। कंफर्टेबल राइड के लिए क्या क्या करता है बंदा। अब जरा इन भाइयों को देखें जो अपनी चारपाई पानी में लटकाकर ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं है? पता नहीं ये लोग ऐसे ऐसे आइडियाज कहां से लेके आते हैं। जुगाड़ के नाम पे बदतमीजी हो रही है। अब जरा इन भाई साहब को देखें जिन्होंने बाइक पर इतना वजन रखा हुआ है कि इस बाइक के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी ड्राइवर ही है जो इतना वजन मैनेज कर लेते हैं। ये तो जगह बचा रहे ये। ओ भाई साहब बाइक सहन ही नहीं कर सकती इतना वेट। अब जरा इस भाई के अमेजिंग जुगाड़ को देखें जिसने एक टेबल फैन से सब्जियों और फल रखने के लिए टोकरी बना दी। सच में यार इन भाई साहब ने तो इंप्रेस कर दिया। और आपको बता दूं कि ये जुगाड़ हमारे मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है भाई? वाओ सब्जियां रखने की जगह, क्या बात है। ओ भाई साहब ऐसे खड़ा कर दिया। अब यार अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में हवा पहुंचानी हो तो इस टेक्निक से बढ़कर कोई टेक्निक नहीं। ये क्या है? ओ कूलर की हवा एक साथ भर के, तो यार कूलर को उधर क्यों नहीं लेके गए? अच्छा प्लग एक ही था घर में। आपने चारा काटने वाली टोका मशीन इससे पहले बाइक से चलती हुई देखी थी, लेकिन इन भाइयों ने तो बैलों का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल की भी बचत कर डाली। अब इस बैल को तो देखकर मुझे भी चक्कर आने लगे हैं। अरे मुझे चक्कर आने, बैल पे तरस खाओ। अगर आप लैपटॉप पकड़ कर थक चुके हैं और आपकी थोड़ी सी मूवी बाकी रह गई हो तो इस जुगाड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार इसके बाद तो चक्कर ही आ जाए, ये काम की चीज है। दोस्तों एक देग उठाने के लिए दो बंदूक की जरूरत होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी कैसे देग के साथ खेल रहा है। ये बड़ी सफाई के साथ चावल देग से निकाल रहा है। क्या बात। दुनिया सच कहती है कि पाकिस्तानी कौम कभी नहीं सुधरेगी। इन पाकिस्तानियों के काम देखे जिन्होंने सख्त यालाबारी से बचने के लिए पानी का टब और डिश अपने सर पर रखी हुई है। ये इस खतरनाक मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये तो सही चीज है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेके चल रहे हैं सही में।
यह है पाकिस्तान का सबसे सस्ता पंखा जो बस इशारों से चलता है। इस पंखे को सिर्फ एक ही थप्पड़ लगाना पड़ता है। भाई साहब, ये तो मैनुअल लेबर का गलत इस्तेमाल है। बहुत ही फनी वीडियो थी यार, सीरियसली। मतलब ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने ऐसी कर रखी थी जिसको देखकर शॉक हो गए, जैसे वो पंखे वाला, लाइक वो क्या कर रखा था, वो एक आदमी को बना रखा था और वो घुमाए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी जो आदमी ना थोड़ी देर के लिए भी बना हुआ है वो, मतलब उसको चक्कर तो नहीं, मतलब उसको चक्कर कैसे नहीं आए, तो वो बहुत ज्यादा फनी था। और भी बहुत सारे क्लिप्स थे जो बहुत ज्यादा फनी थे, जैसे वो मतलब वो घास लेकर इतना सारा वो बाइक पे जा रहे थे। मैं ऐसी थी कि भाई वो इतने सा बाइक में आप इतना सारा घास लेकर कैसे जा रहे हो। और वो कूलर वाला तो मुझे स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया कि जिसमें वो घुस रखे थे, वो तो मुझे नहीं समझ आया। बाकी जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा फनी थी। वो कूलर वाले में ऐसा था, उन्होंने थैलियां और सबसे पैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो हवा जो है ट्रांसपोर्ट करके दूसरे रूम में लेके जा रहे थे। नहीं वो वाला तो नहीं, ये उनका इंटरनेशनल सिस्टम था, फर्स्ट वाला, मतलब कि जहाँ पे वो मतलब अंदर जहाँ एसी की जरूरत नहीं है। अच्छा वो वाला, उसने वो किया था कि कंबल अपने ऊपर पूरा ऐसे ओढ़ लिया ताकि अब हवा जो है ना वो अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा। तो वो एक पैक बन गया था पूरा। अच्छा तो ये इतना स्मार्ट सिस्टम इन्होंने यूज किया था, क्योंकि नॉर्मली होता है ना हवा जो होती है अगर चली जाए बाहर तो फिर जैसे आपने एसी में नहीं करते कि रूम बंद कर लेते हैं, वैसे उसने एक मस्त कर लिया कि अपना पैक बना लिया, हवा पूरी अंदर फ्लो करती रहेगी। यार बहुत ही ज्यादा जुगाड़ी है पाकिस्तानी तो यार, देखा जाए तो। और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं अपना काम करवाने का, लाइक वो इवन जो ट्रे वो बना ली उसने फ्रूट्स रखने के लिए, काफी बार देखा गया कि उसके लिए अलग से आपको एक वो लेनी पड़ती है, पूरी जगह लेनी पड़ती है जहाँ पे आप अपने आलू प्याज ये सब रख सके। पर इन्होंने तो मस्त वो जो चीजें पड़ी होती है घर की उन्होंने ही जुगाड़ करके बना लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।